हेलो स्टूडेंट, देखो पहला चैप्टर तो हुआ रहेगा आपका बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ओके, तो देखो नेक्स्ट चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस ज्योमेट्री। देखो पैरेलल लाइंस करके चैप्टर है, लेकिन इसमें 30-40% ऑफ योर ज्योमेट्री का पार्ट कवर हो जाएगा। क्या है वो 30-40% ऑफ पार्ट? ये देखो, ये 9th, 10th, 11th, 12th ये चारों स्टैंडर्ड के लिए यूज होने वाला है। जो आज आप सीखने जा रहे हो चैप्टर 2 भी इज वेरी यूजफुल फॉर योर मैथमेटिक्स लाइफ। ओके, देखो इसके ऊपर आपको एन नंबर ऑफ सम सॉल्व करने को मिलेगा। तो देखो चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर सीआर, लेट अस स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल। आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड में आपने ट्रांसवर्सल एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा था। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म एंड व्हाट आर द टाइप्स एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ा था। बट अभी इसमें ये चैप्टर में आपको डिटेल्स में पढ़ने का है। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर पैरेललनेस ऑफ टू लाइंस। अगर दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने का है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है? इन ऑल देयर आर 3 टेस्ट, बट कौन सा टेस्ट है, क्या क्या है, डिटेल्स में ये चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। और ये प्रॉपर्टीज को यूज करके दोनों प्रॉपर्टीज टेस्ट एंड कन्वर्स, और टेस्ट और थ्योरम बोलेंगे इसको, वो दोनों यूज करना पड़ेगा कुछ सम सॉल्व करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यूर 9th, 10th एंड 11th, 12th स्टैंडर्ड। देखो तो जाएंगे, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम देखो पैरेलल लाइंस। सो दीज आर द टू लाइंस। सो देखो क्या क्या खासियत है इसका, बोथ द लाइंस लाइन द सेम प्लेन। ओके, व्हाट इज प्लेन आपको सब बताया रहेगा चैप्टर 1 में। अ प्योर फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है पूरा का पूरा, दैट इज अ प्योर फ्लैट सरफेस कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन। और ओ प्लेन में मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ किया है। So these lines are called as coplanar lines because they lie in the same plane. They lie in the same plane. Now, aur ek khasiyat hai lines ka, they are coplanar and they are non-intersecting also. Dekho, aap dono taraf extend karenge, kitna bhi dur tak jaake extend karo, they will not intersect with each other. So these lines are called as parallel lines. Unko naam diya hai L and M. So dekho. The lines which are coplanar and do not intersect each other are called parallel lines. देखो दो conditions है, they should be coplanar and they should not intersect each other. Such lines are called as parallel lines. Sir, दो ही lines parallel होता है क्या? नहीं, you can take 3, you can take 4, you can take 5, n number of lines you can take parallel as a parallel lines. But for example इधर लिया है दो lines लिया। Now अभी देखो ये सब लास्ट ईयर में पढ़ा था आपने। डू यू रिकॉल द पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखो ये दो लाइंस है एल एंड एम, लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल है। ओके, इट मेक्स 8 एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, और ये 8 एंगल्स को आपने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। सो हियर लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम, एंड हियर इन ऑल 8 एंगल्स आर फॉर्म पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म आउट ऑफ दिस एंगल्स आर As follows. देखो कौन सा pairs of angles form होता है? Corresponding angles, alternate angles. Alternate angles में दो है देखो, interior angles, interior alternate, interior exterior alternate. Okay? यानी interior alternate. ऐसा करके दो है, लेकिन उसमें से आपको खाली interior alternate angles के बारे में बात करने की। तो what will say corresponding alternate and interior angles, corresponding alternate and interior angles, exterior alternate angles वो बाद में देखेंगे, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है। वो खाली लास्ट में these are called as exterior alternate angles, these are called as exterior alternate angles. Okay? तो देखियो सबसे पहले transversal क्या होता है। देखो a line which intersects two or more given coplanar lines. देखो लाइन एल एंड लाइन एम ये दो दो कोप्लेनर लाइन्स, ये दो कैसे है कोप्लेनर लाइन्स है। सर इधर तो टू और मोर गिवन कोप्लेनर लाइन्स, हाँ यू कैन ड्रॉ थर्ड लाइन ऑल्सो, चाहे तो देखो ड्रॉ करने का क्या, दे ड्रॉ करके देखेंगे। देखो somebody wants more lines, no problem.
ये ले लो, और चाहिए ये ले लो, ओके, और चाहिए ये ले लो, नो प्रॉब्लम्स, ओके। बट इधर मैंने फॉर एग्जाम्पल दो लाइन्स लिया था, देखो लाइन कौन सा लाइन, लाइन एन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन कोप्लेनर लाइन्स। देखो ये सब लाइन्स कोप्लेनर है और उसको लाइन एन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। बट कैसे इंटरसेक्ट करता है, हर एक को अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। देखो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, कैसे इंटरसेक्ट करना चाहिए, अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो ये लाइन को ये पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, ओके, ये लाइन को ये पॉइंट में, ये लाइन को ये पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, दिस लाइन ये पॉइंट में, दिस लाइन ये पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। सो लाइन एन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। देखो लाइन एन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल, मैं सबको क्लियर कर देता है, अभी खाली दो लाइन रखते हैं। सो अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन कोप्लेनर लाइंस इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ गिवन लाइंस। देखो कंडीशन क्या है, जो भी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो सब कोप्लेनर होना चाहिए, और वो हर एक लाइन को, अगर दो लाइंस रहेगा तो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए, तीन लाइंस रहेगा तो तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करना चाहिए, चार रहेगा तो चार अलग अलग पॉइंट्स में। सच अ लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल, सच अ लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। और ये ट्रांसवर्सल बहुत काम का चीज है, ये ट्रांसवर्सल बहुत काम का चीज है। देखो नेक्स्ट, देखो अभी देखो लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल, देखो लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइंस एल एंड एम। देखो ओके, एन क्या है, एल एंड एम का ट्रांसवर्सल। सो वी गेट फोर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इज कॉल्ड एज एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। देखो कुछ आता है, याद आता है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे मैं डिस्क्राइब करता है मालूम है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखो ये ट्रांसवर्सल है, उसका ए साइड जो है, दिस साइड इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड। देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ लाइन। देखो हाउ विल यू सेग्रीगेट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। देखो इधर, देखो इधर क्या है, ये क्या है, दिस साइड इज कॉल्ड एज राइट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग है, एंड दिस साइड वी कॉल इट एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड फॉर दिस लाइन दिस इज अपवर्ड साइड एंड दिस इज डाउनवर्ड साइड, एंड फॉर दिस लाइन दिस इज अपवर्ड साइड एंड दिस इज डाउनवर्ड साइड। सो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ लाइन। देखो पहले आरएचएस, पहला ग्रुप लेंगे ट्रांसवर्सल के आरएचएस में एंड लाइंस का ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, आरएचएस अपवर्ड, एक दो, ये लाइन के भी ऊपर है, ये लाइन के भी ऊपर है, और दोनों आरएचएस में, दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा देखो, आरएचएस में ही लेंगे बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, देखो ये और ये दोनों, ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे डाउनवर्ड, एंड दोनों ट्रांसवर्सल के आरएचएस में। तीसरा क्या आएगा, तीसरा देखो, तीसरा एलएचएस में जाएंगे अभी, लेफ्ट हैंड साइड बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये है एंगल और ये है एंगल, लेफ्ट में है और ये लाइंस के ऊपर, ये तीसरा पेयर हो गया, ओके। एंड फोर्थ पेयर देखो, वो कैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बट बिलो द लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। ये एंगल और ए एंगल, दीज आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो आर एच एस अपवर्ड, ये एंगल हो गया, आर एच एस डाउनवर्ड, ये एंगल हो गया, दूसरा पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का। एल एच एस अपवर्ड, ये एंगल हो गया, तीसरा पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का, ये चौथा पेयर एल एच एस डाउनवर्ड, ये चौथा पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। आया समझ में, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ लाइन। ट्रांसवर्सल का दो साइड कौन सा, आर एच एस एल एच एस, एंड लाइन का दो साइड कौन सा, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, याद रखेगा, ओके। द
दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, एक इधर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, तो मैंने क्या बताया, सिंप्लिसिटी, फॉर सिंप्लिसिटी, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ लाइन. तो देखो अभी देखो, एंगल ए एंगल ई, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी एंगल एच सेकेंड पेयर, सी एंड जी, डी एंड एफ, ओके, दीज आर द फोर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देखो वापिस देखो, ओके, ए एंड ई आर एच एस अपवर्ड, बी एंड एच आर एच एस डाउनवर्ड, सी एंड जी एल एच एस डाउनवर्ड, डी एंड एफ एल एच एस अपवर्ड. अंडरस्टैंड व्हाट इज अपवर्ड डाउनवर्ड, तो पद समझ में आया अभी, क्लियर, ओके. तो ये हो गया फोर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और एक बार देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखो ये पहला पेयर आर एच एस अपवर्ड वन टू, आर एच एस डाउनवर्ड, ओके, फाइव सिक्स नाम लिया उसको, एल एच एस अपवर्ड थ्री फोर, एल एच एस डाउनवर्ड, देखो सेवन एट, ओके, दिस इज आर एच एस अपवर्ड, दिस इज आर एच एस डाउनवर्ड, दिस इज एल एच एस अपवर्ड एंड दिस इज एल एच एस डाउनवर्ड. ऑल दीज आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कितना पेयर्स बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का टोटल चार पेयर्स बनता है. देखो वन टू पहला पेयर, फाइव सिक्स दूसरा पेयर, थ्री फोर तीसरा पेयर, सेवन एट चौथा पेयर. अंडरस्टूड, करस्पॉन्डिंग एंगल में किसी को कुछ डाउट है तो नेक्स्ट देखो. ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में. नाउ जो भी एंगल्स अभी सेग्रीगेट करने जा रहे हो, दोज एंगल्स आर बिटवीन द टू लाइन्स. देखो दो लाइन्स के बीच में, लाइन एन इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम, ओके. अभी देखो ना, फोर एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, देखो फोर एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, देखो सी बी ई एंड एफ, ये चार एंगल्स दो लाइन्स के बीच में है. नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग द एंगल्स विच लाई बिटवीन द टू लाइन्स. बिटवीन मीन्स ये दो लाइन्स के बीच में ही होना चाहिए, ये लाइन के ऊपर नहीं, ये लाइन के नीचे नहीं, ओके, ऊपर का लाइन का नीचे और नीचे का लाइन का ऊपर, मीन्स बिटवीन द एंगल्स. ये चार एंगल्स कैसा है, दो लाइंस के बीच में, उसमें ही दो टाइप मिलेगा. देखो एक अल्टरनेट एंगल्स मिलेगा और एक इंटीरियर एंगल्स मिलेगा. सो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया. चार एंगल्स मिलते हैं दो लाइंस के बीच में. देखो अभी इसको सेग्रीगेट कैसे करेंगे, टाइप्स में डिवाइड कैसे करेंगे, देखो टाइप्स में डिवाइड कैसे करेंगे. देखो वापिस, लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एल एंड एम, ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, सो वी गेट टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और यू कैन से दैट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आल्सो, क्योंकि ये दोनों दो लाइंस के बीच में है करके इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, ओके. तो देखो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट, बेटर वे से दैट अल्टरनेट एंगल्स, ओके. तो देखो क्या है, एंगल बी एंड एंगल एफ, ओके, एंड एंगल सी एंड एंगल ई. देखो ये चार एंगल्स में से दो पेयर्स मिलते हैं, टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. सी एंड ई पहला पेयर है, बी एंड एफ दूसरा पेयर है, बी एंड एफ दूसरा पेयर है. तो कैसे पता चलेगा सर कि ये अल्टरनेट एंगल्स, कैसे फाइंड आउट करने का, सिंपल है, अल्टरनेट एंगल्स फाइंड आउट करने का एक ही कंसेप्ट है. क्या देखो ये कंसेप्ट क्या है, देखो सबसे पहले तो देखो लेटर जेड फॉर्म होना चाहिए, दे फॉर्म द लेटर जेड. देखो ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स, और ऐसा भी लेटर उल्टा जेड फॉर्म होता है, नो प्रॉब्लम, बट दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल्स, ओके. ये है दो लाइन्स और ये है ट्रांसवर्सल, ये है दो लाइन्स और ये है ट्रांसवर्सल. तो एंगल सी एंड एंगल ई एक पेयर हो गया, अल्टरनेट एंगल्स. देखो बिटवीन द टू लाइन्स में कैसा डिफाइन करता है, बिटवीन द टू लाइन्स अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल, एक लेफ्ट में रहेगा तो एक राइट में, बट बिटवीन द टू लाइन्स. सर सी एंड बी चलेगा, नहीं चलेगा, सी एंड ई ही अल्टरनेट एंगल्स, एक लेफ्ट में रहेगा एक राइट में रहेगा, बट दोनों बिटवीन द टू लाइन्स ही होना चाहिए. और दूसरा पेयर है बी एंड एफ, बी एंड एफ अपोजिट टू द ट्रांसवर्सल बिटवीन द टू लाइन, सी एंड ई, बी एंड एफ, ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स.
ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। अगर नेक्स्ट है थर्ड पेयर, थर्ड टाइप, देखो अल्टरनेट एंगल्स के बारे में बात करेंगे पहले, वन एंड टू, ओके, एंड हियर थ्री एंड फोर, दीज आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल्स, ओके। तो नेक्स्ट देखो, अभी ऑफिस लाइन एन इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन्स एल एंड एम, सो वी गेट टू पेयर्स, वी गेट टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। देखो बी एंड ई, पहला पेयर है बी एंड ई, पहला पेयर है बी एंड ई, और दूसरा पेयर क्या आएगा, सी एंड एफ। तो देखो बी एंड ई एंड सी एंड एफ, दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स, दीज आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स। अभी आप बोलेंगे सर इसको कैसे पहचानने का, देखो बिटवीन द टू लाइन्स ही है, बट दे फॉर्म्स द लेटर सी, दे फॉर्म्स द लेटर सी, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स, ओके, ऐसा डिजिटल सी फॉर्म करता है। देखो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स, आया समझ में। तो तीन टाइप सीखा था, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, ओके। तो देखो सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ये हो गया इंटीरियर एंगल्स, वन एंड टू इंटीरियर एंगल्स, थ्री एंड फोर इंटीरियर एंगल्स, ओके, क्लियर, पक्का। और एक टाइप है एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर अल्टरनेट बोलो या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो कुछ काम का नहीं है, वो डायरेक्ट खाली बिली कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं उसको बाद में एट द लास्ट ऑफ द एट द एंड ऑफ द चैप्टर में उसको एक्सप्लेन करेगा, वो किधर भी काम में आने वाला नहीं है, खाली काम में कौन सा आने वाला है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ लाइन, अल्टरनेट एंगल्स सिंपल है, बिटवीन द टू लाइन्स एंड अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये नहीं समझ में आता है तो लेटर जेड फॉर्म करता है। और तीसरा इंटीरियर एंगल्स, बिटवीन द टू लाइन्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी नहीं समझ में आया तो लेटर सी फॉर्म करता है, ओके, ये याद रखो, अंडरस्टूड। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स मेड बाय, उसको किसको सेग्रीगेट किया था आपने, किसको डिवाइड किया था, किसको क्लासिफाई किया था, ये एट एंगल्स किसने बनाया था, ट्रांसवर्सल ने बनाया था, किसके साथ बनाया था, टू कोप्लेनर लाइंस के साथ बनाया था, ये याद रखो, ओके। वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, देखो लाइन एन ट्रांसवर्सल है, लाइन एल एंड एम दीज आर द टू लाइंस, सो लाइन एन मेक्स एट एंगल्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, एंड एट एंगल्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड करने का। देखो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा है, देखो एंगल डी के साथ कौन आएगा, एंगल एच आएगा, एंगल ए के साथ कौन आएगा, एंगल ए के साथ एंगल ई आएगा, एंगल सी के साथ कौन आएगा, एंगल जी आएगा, एंगल बी के साथ कौन आएगा, एंगल एफ आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर देखो लेटर सी फॉर्म करने वाला, एंगल सी के साथ कौन आएगा, एंगल एच आएगा, एंगल बी के साथ कौन आएगा, एंगल ई आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, खाली अल्टरनेट बोलेगा तो भी चलेगा, देखो लेटर जेड फॉर्म तैयार करते हैं, लेटर जेड तैयार करते हैं, सी एंड ई, ओके, सी के साथ कौन आएगा, ई आएगा, बी के साथ कौन आएगा, एच आएगा, ओके। एंड नेक्स्ट जो मैं बोल रहा था कि लास्ट में एक्सप्लेन करेगा वो है, देखो पहले डी के साथ एच, ए के साथ ई, सी के साथ जी, बी के साथ एफ, नाउ इंटीरियर एंगल्स के बारे में, बी सी एंड एच, बी एंड ई, सी एंड, देखो अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर बोलो, इंटीरियर अल्टरनेट बोलो, या अल्टरनेट इंटीरियर ही बोलो, क्यों, एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल एच, ये अल्टरनेट एंगल्स, ओके। एंड नेक्स्ट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है, एक शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता है, देखो अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट एंगल्स मीन्स व्हाट, देखो अल्टरनेट एंगल्स मीन्स अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन एक्सटीरियर है ये एंगल और ये एंगल, अब ये एंगल कौन सा है, डी, ये एंगल कौन सा, एफ, और कौन सा आएगा, ए, यानी कि ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन दो लाइंस के बाहर, दो लाइंस के किधर, बाहर, दो लाइंस के किधर, बाहर, दो लाइंस के किधर, बाहर, ओके, और अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो देखो
एंगल ए एंड एंगल जी, दीज आर कॉल्ड एज अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर कुछ काम का नहीं है, खाली एक टाइप है याद रखने का है। खाली ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे व्हाट आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ए एंड जी, और व्हिच आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ए एंड जी, और एक है डी एंड एफ। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अल्टरनेट इंटीरियर अलग, इंटीरियर बोलेगा ये दोनों पेयर इंटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर बिटवीन द टू लाइंस, ये चार एंगल्स में से ही आएगा। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर द एंगल ए दो लाइंस के बाहर का आएगा, ए एंड जी अल्टरनेट एक्सटीरियर, डी एंड एफ अल्टरनेट एक्सटीरियर। आया समझ में? तो देखो डी एंड एफ ए एंड जी दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आया सब क्लियर हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर बोलो नहीं तो अल्टरनेट बोलो, बेटर वे अल्टरनेट ही बोलो, और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो सब क्लियर है पक्का? जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो चैप्टर वन और अब तक सीखा था। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्मड आर कॉन्ग्रुएंट, ये पहला ही थ्योरम था, अपनी जिंदगी में पहली बार प्रूव किया था। ओके शायद मनोज सर ने सिखाया ही रहेगा। When two lines intersect, the pair of opposite angles formed are congruent. Okay, the angles in linear pair are supplementary. Standard number 7. सीखा था angles in linear pair are supplementary. Now third property है, when one pair of corresponding angle is congruent, then all the remaining pairs of corresponding angles are congruent. Standard number शायद 7 standard का property है। देखो corresponding angle का एक pair congruent, बाकी सब पेयर कॉन्ग्रुएंट। कितना पेयर होता है? 3। एक पेयर कॉन्ग्रुएंट तो तीनों पेयर कॉन्ग्रुएंट। अभी अल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो रिमेनिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल्स का कितना पेयर होता है? 2, उसमें से एक कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग भी आल्सो कॉन्ग्रुएंट होता है। और तीसरा कौन सा है? इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। याद रखो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। बहुत सारा लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बोलता है और फंस जाता है। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री तो दूसरा पेयर भी क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। देखो ये खाली वर्ड्स में बोला है मैंने, वर्ड्स में इतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो मैं क्या करेगा इसको फिगर के साथ एक्सप्लेन करेगा। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्मड आर कॉन्ग्रुएंट। देखो एक देखो अभी ओके ये ब्लू कलर का एक पेयर हो गया कॉन्ग्रुएंट, ये ब्लैक कलर का दूसरा पेयर हो गया कॉन्ग्रुएंट। दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्मड आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो ब्लू कलर का इधर और उधर, ये 30 डिग्री रहेगा, सॉरी ये 30 डिग्री रहेगा, दिस इज 30 डिग्री, तो अपोजिट एंगल्स भी कितना आएगा? 30 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है, हर बार 30 डिग्री लेगा आप लोग। ये 30 रहेगा, ये 30 डिग्री, ये 110 रहेगा, तो ये 110। सो दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। देखो एंगल्स इन लिनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, तो लिनियर पेयर एंगल्स के बारे में बोलता है। उसके पहले एडजेसेंट एंगल्स, देखो ये दोनों एंगल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों कैसे एडजेसेंट है? क्यों है? उसका एक वर्टेक्स कॉमन है, एक साइड कॉमन है, और दोनों का इंटीरियर कैसा है? दोनों का इंटीरियर सेपरेट है, दोनों का इंटीरियर सेपरेट है, कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल्स में देखो अगर ये नॉन कॉमन साइड्स, दिस इज कॉल्ड एज नॉन कॉमन साइड्स, अपोजिट रेज फॉर्म करता है, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट रे, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट रे। चैप्टर वन में देखो अपोजिट रे का डेफिनेशन हो गया, तो इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर एंगल्स, दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पेयर एंगल्स, एंड लीनियर पेयर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। याद रखना लीनियर पेयर ऑलवेज आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन साइड एंड दीज आर कॉल्ड एज नॉन कॉमन साइड्स। तो लीनियर पेयर में नॉन कॉमन साइड्स क्या फॉर्म करता है? अपोजिट रेज फॉर्म करता है। लीनियर पेयर में नॉन कॉमन साइड क्या फॉर्म करता है? अपोजिट रेज फॉर्म करता है। ये प्रॉपर्टी याद रखो, इन केस ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स
नॉन कॉमन साइड फॉर्म्स द अपोजिट रेज, नॉन कॉमन साइड फॉर्म्स द अपोजिट रेज मीन्स इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स आएगा वो सब कैसा रहेगा, कोलिनियर रहेगा, वो सब कैसा रहेगा, कोलिनियर रहेगा। वापिस एक बार मैं प्रॉपर्टी दोहराता हूँ, इन केस ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, नॉन कॉमन साइड्स, नॉन कॉमन साइड चाहे तो नाम देंगे ए ओ ए बी एंड सी, ओ ए एंड ओ सी दीज आर द साइड्स ऑफ एंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ बी, तो रे ओ ए एंड रे ओ सी दीज आर नॉन कॉमन साइड्स, दीज आर नॉन कॉमन साइड्स एंड दे फॉर्म्स द अपोजिट रेज, दे फॉर्म्स द अपोजिट रेज। और इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स आता है वो सब कैसा रहता है, कोलिनियर होता है, वो सब कैसा होता है, कोलिनियर होता है। ये याद रखो, ये प्रॉपर्टी 10th स्टैंडर्ड में यूज करने का, एटलीस्ट दो तीन प्रॉब्लम्स में आ जाएगा वो प्रॉपर्टी। ओके तो देखो थर्ड वन क्या दिया था, एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो बाकी सब पेयर कॉन्ग्रुएंट रहता है। देखो इफ दिस पेयर इज कॉन्ग्रुएंट बाकी सब पेयर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वन देखो कौन सा पेयर है, देखो कौन सा पेयर कॉन्ग्रुएंट होता है, देखो ये पेयर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये पेयर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये पेयर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ऑल दीज आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी सब पेयर्स कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, बाकी सब पेयर्स कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे अपन। ओके देखो ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी सब पेयर्स कॉन्ग्रुएंट होता है। व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देखो अल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी बाकी कितना पेयर, अल्टरनेट एंगल्स का पेयर कितना, एक ही है और एक ही है, कैसा लेटर जेड तैयार करने, ये उल्टा जेड हो गया, ये उल्टा जेड हो जाएगा, ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों, एक पेयर कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पेयर भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ही होता है, दूसरा पेयर भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ही होता है। ओके नाउ नेक्स्ट देखो, एक पेयर इंटीरियर एंगल्स का, एक पेयर इंटीरियर एंगल्स का अगर सप्लीमेंट्री रहेगा, एक पेयर इंटीरियर एंगल्स का सप्लीमेंट्री रहेगा तो दूसरा पेयर क्या होता है, दूसरा पेयर भी सप्लीमेंट्री होता है, दूसरा पेयर भी सप्लीमेंट्री होता है। ये दूसरा पेयर है, ये दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ओके सो वी स्टडीड ऑल दिस फाइव प्रॉपर्टीज, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो बाकी तीनों पेयर कॉन्ग्रुएंट होता है, इंटीरियर एंगल्स का एक पेयर सप्लीमेंट्री रहेगा तो बाकी दूसरा पेयर भी सप्लीमेंट्री होता है, और अल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो दूसरा पेयर भी कॉन्ग्रुएंट होता है। तो याद रखना, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो बाकी एक एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्ग्रुएंट तो दूसरा तीन दोनों बाकी का तीन पेयर भी कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट दूसरा पेयर भी कॉन्ग्रुएंट, और इंटीरियर एंगल का एक पेयर कॉन्ग्रुएंट मत बोलना इधर, सप्लीमेंट्री बोलो तो दूसरा पेयर भी क्या होता है, सप्लीमेंट्री ही होता है, दूसरा पेयर भी क्या होता है, सप्लीमेंट्री ही होता है। ओके दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर टू, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर टू, ये वापस वापस रिवाइज करो। ओके